हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीएम में। हम तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम डिफरेंस करेंगे सीएम में ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, तो फाइनली इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 6 फैक्टर रखेंगे और उन फैक्टर के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कि आपके लिए कौन सी कोचिंग ज्यादा बेस्ट रहेगी। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई सीएम में इंटर कोचिंग ऑफ बोथ ग्रुप। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के एंड में मैं अपना भी बताऊंगा कि मैंने अपनी कोचिंग ऑनलाइन की है या फिर ऑफलाइन की है, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए कौन सी कोचिंग बेटर रहेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि किस चीज़ में हमारी कॉस्ट कम लग रही है। तो डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग में आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगने वाली है और ऑनलाइन कोचिंग में आपकी कॉस्ट कम लगने वाली है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट फी स्ट्रक्चर तो ज़्यादा होता ही है ऑफलाइन कोचिंग में, लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके लग जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अगर आप दूसरी सिटी से आ रहे हैं बड़े शहर में कोचिंग करने के लिए, तो आपको रहने सहने का खर्चा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में लगते हैं। तो अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन कोचिंग में ही जाना चाहिए। सो इसके लिए मैं ऑनलाइन कोचिंग को 1 पॉइंट दे रहा हूँ। सो आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन। दूसरे फैक्टर की हम बात करते हैं, वो है डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। अब देखो यार, ऑनलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक फ्रीडम है, आप कहीं भी बैठे हैं, बस में, ट्रेन में, आप वहाँ से एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाना होगा, वहीं पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डेड क्लास की, फिर तो और अच्छे एडवांटेज है कि आप उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं, किसी भी स्पीड में, 1.5x या 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके लिए कौन भी बन जाएगा, वो कैसे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि हम क्लास कल अटेंड कर लेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेज तो है, और वो ऐसे करते करते वो क्लास डेफर कर देते हैं और काफ़ी क्लासेज इकट्ठी हो जाती हैं। सो इसे एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता। तो अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं है तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन कोचिंग में जाइए। तो अगेन मैं यही बात कहूँगा कि अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिफर करता है कि वो डिसिप्लिन है या नहीं है। तो इसके लिए मैं दोनों ही कोचिंग को 1 पॉइंट दूंगा, ऑनलाइन को भी 1 पॉइंट एंड ऑफलाइन को भी 1 पॉइंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट फैक्टर, दैट इज एक्सपोजर। किसमें आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ऑफलाइन कोचिंग में या फिर ऑनलाइन कोचिंग में? तो आप कोई मेरी इस बात से एग्री करे या ना करे, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है वो शायद ऑनलाइन कोचिंग में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। सेम फील्ड के लोगों से आपका जो नेटवर्क डेवलप होता है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर्स एज वेल। टीचर्स के साथ आपका जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जो आप उनसे गाइडेंस ले पाते हैं या उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीख पाते हैं, वो शायद ऑनलाइन कोचिंग में पॉसिबल नहीं हो पाती। अब अगेन मैं वही बात करूँगा, कुछ स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं ऑफलाइन में पूछने के लिए, तो उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन कोचिंग में टीचर से अच्छे से इंटरेक्शन कर पाते हैं। सेम फील्ड के लोगों से मिलने के बाद आपको उनके वे ऑफ थिंकिंग के बारे में पता लगता है, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में पता लगता है, ये पता लगता है कि वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। ओवर द ऑल ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है। सो आई थिंक ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छा एक्सपोजर चाहते हैं या जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या एक अच्छी गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं। सो इसके लिए मैं ऑफलाइन कोचिंग को 1 पॉइंट दूंगा। सो द फोर्थ फैक्टर इज टाइम कंज्यूमिंग। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता ही है कि ऑफलाइन कोचिंग इज डेफिनेटली मोर टाइम कंज्यूमिंग। सो अगर आप एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करते हैं, तो आप गलती से भी ऑफलाइन कोचिंग में मत जाइएगा, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने सोचा कि हम रेगुलर कॉलेज के साथ ऑफलाइन कोचिंग मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाद में वो मैनेज नहीं हो पाती और एट द एंड उनको दोनों में से एक चीज छोड़नी पड़ती है। सो अगर आपने ये मन बना लिया है कि आप रेगुलर कॉलेज करने वाले हैं, तो आप सीएम की कोचिंग ऑनलाइन ही कीजिएगा, वही आपके लिए सुटेबल रहेगी। तो इसमें मैं ऑनलाइन कोचिंग को 1 पॉइंट देना चाहूँगा। अब बात करते हैं स्पेशलिटी की, कि भैया हमें तो हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर्स की क्लासेज ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन कोचिंग में तो ये पॉसिबल होने नहीं वाला। ऑफलाइन कोचिंग में तो आपको एक ही रूफ के नीचे क्लासेज मिलेंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा आप दो कोचिंग चेंज कर सकते हो, वो भी एक ही सिटी में। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें स्पेशलिटी मिले, सपोज मैं यहाँ घर बैठे चाहता हूँ कि मुझे डीटी के लिए विजय सारदा सर की क्लासेस चाहिए या आईडीटी के लिए विशाल भट्ट सर की क्लासेस चाहिए, तो वो पॉसिबल होगा सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग में। घर बैठे ही मैं सभी टीचर्स की स्पेशलिटी के अनुसार उनकी क्लासेस ले सकता हूँ। सो इसके लिए तो मैं ऑनलाइन कोचिंग को ही 1 पॉइंट देना चाहूँगा।
तो चलिए अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्रोडक्टिविटी। कि भैया हमें ये बता दो कि ज़्यादा बेटर कौन सा रहने वाला है, हमारी एफिशिएंसी किस में ज़्यादा होगी, ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में। तो देखो यार, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो ऑफलाइन कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ऑपोजिट भी हैं, जिनसे ऑफलाइन में पढ़ाई नहीं होती, वो एक रूम में शांति से बैठ के ऑनलाइन में अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आप डिसिप्लिन हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए तो मैं दोनों को ही एक एक पॉइंट देना चाहूँगा, ऑफलाइन को भी और ऑनलाइन को भी। सो हमने सारे फैक्टर्स देख लिए हैं, अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट लगती है या फिर ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट लगती है। अगर मैं अपनी एडवाइस दूँ तो मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने भी अपनी CMA इंटर के बहुत ग्रुप की कोचिंग कम्प्लीटली ऑफलाइन की है। मैंने अपनी कोचिंग करी है विद वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन नॉर्थ इंडिया, और मैंने सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग जो है कम्प्लीटली ऑफलाइन ही ली है। ऑफलाइन कोचिंग में आपको कुछ एडवांटेज मिलेंगे, जैसे कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, लाइव इंटरेक्शंस मिलेगा टीचर्स के साथ, और एट द एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगी। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग में जाइए। हाँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि हम इतनी कॉस्ट नहीं पे कर सकते, सो ऑनलाइन कोचिंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन आप कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस में मत जाइएगा, उससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। सो यही थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो अभी तक कंफ्यूज हैं ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग के बीच में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।